हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके कुछ क्वेश्चन जिसके मैं करूंगा आज आंसर जो आपने पूछे थे मेरे से लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 19 में। तो आज है वीडियो नंबर 20 और मैं उन क्वेश्चनों का आंसर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। आज की इन्फॉर्मेशन यह है कि विद इन अ वन वीक के अंदर एक ऑनलाइन क्लासेस, IIT की ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपको अदर फीचर्स या अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप घर बैठे एक तरह से ट्यूशन ले रहे हैं। तो जल्दी आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू और मेरी वेबसाइट और फेसबुक के थ्रू। तो एक बार वहाँ पर स्टे मतलब बने रहना, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे आप ई क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले किंग्स ऑफ कॉमेडी ने पूछा है, सर आप ऑनलाइन क्लासेस कितने टाइमिंग से लेते हो? तो किंग्स ऑफ कॉमेडी, सबसे पहले बता दूं राइट नाउ जो मैं अभी क्लासेस लेता हूं वो ओनली यूट्यूब के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड करके ही लेता हूं। बट विद इन अ वन वीक आपकी कुछ मैंने बताया कि एक वीडियो सेशन या कह लीजिए एक अलग से ई क्लासेस का पैटर्न चालू होने वाला है। डिटेल में आपको एक वीडियो के थ्रू ही समझाऊंगा, आने वाली है, वेट करना। दूसरा, कृष्णा शर्मा ने पूछा है, सर बीकॉम के सारे चैप्टर IIT अकाउंट्स में मिल जाएंगे क्या? तो कृष्णा शर्मा, आपको बताना चाहूंगा कि बीकॉम के जो भी चैप्टर है वो यहीं पर आएंगे, बट राइट नाउ उसके सिलेबस का वेट है और दूसरा उसकी बुक का वेट है कि बुक मेरे पास अवेलेबल हो जाए तो मैं उसके लिए सिलेबस बना पाऊँ। लॉकडाउन की वजह से आप भी घर में लॉक हैं, मैं भी घर में लॉक हूँ, तो मेरे पास उसका अभी कंटेंट नहीं है बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर नेहा मेहरा ने, 12th क्लास की न्यू डेट शीट का वेट कर रहे हैं। तो नेहा वेट करो, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने का कोई आसार है, 3 मई तक बढ़ा दिया और अगर स्थिति और बेकार होती है तो इसे आगे और बढ़ा दिया जाएगा। हर जैन लिखते हैं, सर आप हर वीक लाइव आया करो सो वी कैन क्लियर अवर डाउट्स। तो हर जैन देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब मैं लाइव आता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कई सारे लोग वहाँ पे लाइव आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके क्वेश्चन होते हैं मैं आंसर करता हूँ। बट अगर एट अ टाइम दैट टाइम 100 लोग भी लाइव आ जाते हैं तो मैं 100 लोगों के एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाता, है ना। उसके बाद लोगों में क्या होता है, इरिटेट होना चालू हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं, जो कि मुझे बेकार लगता है। सही में मैं सबका रिप्लाई करना चाहता हूँ, बट एक साथ सबके रिप्लाई आ जाते, क्वेश्चन आने के बाद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैंने उस लाइव स्ट्रीम को सोचता रहा हूँ कि वीक में एक बार जरूर करूंगा सबके लिए, बट मैं अलग से एक लाइव सेशन कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ। और वो अभी जो मैंने बताया IIT क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आने वाला, उसी के अंदर जो स्पेशल लाइव क्लास सेशन होगा वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा जो मेरे साथ ई क्लासेस के थ्रू लर्निंग कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हर्ष के बाद फिर यहाँ पर इलाइट ने पूछा है, इकोनॉमिक्स हिंदी में बताएंगे क्या आप? तो इलाइट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है, चाहे वो 12th का हो चाहे 11th का हो, सारा बना हुआ है। एक बार प्लीज़ जब चैनल पर आई करेंगे तो प्लेलिस्ट को चेक कर ले करो, प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है E/M इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, एक बार चेक कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा आपका सिलेबस या आपका हिंदी मीडियम कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, बट मेरी तरफ से रेडी है। चलिए, सर MPO का वीडियो जल्दी बनाइए जैसे कि एकदम क्लियर हो जाए, सुमित ने पूछा है। तो सुमित, मैं जल्दी जल्दी MPO के सारी वीडियो खत्म कर रहा हूँ, अब तक मैं 9 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, 10वां पार्ट और रहता है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कई सारे पार्ट्स बने हुए हैं। मैं ये देख रहा हूँ जो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है उन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अनिकेत पूछते हैं, सर आप बाद में हर चैप्टर के MCQ अपलोड करना। तो अनिकेत, कोशिश करूंगा कि MCQ अपलोड करूं बाद में, बट मैंने बताया जो IIT क्लासेस होगा वहां पर एक ये भी फीचर्स है कि वहां पर आपको MCQ एंड स्पेशल रिवीजन वीडियो देखने को मिलेंगी। तो होपफुली आपको जल्दी ही मैं उसकी डिटेल वीडियो बना के दूँ कि एक्चुअल में IIT की ई क्लास में होने क्या वाला है, ठीक है। अकाउंट्स में क्लास 12th का स्टूडेंट कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने चाहिए, पार्टनरशिप या NPO? तो मेरे हिसाब से आपको NPO से चालू करना चाहिए, जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है और 10 मार्क्स का NPO, इसलिए वहीं से चालू कीजिए, ठीक है। उसके बाद हर्ष जैन ने दोबारा लिखा, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू मेक पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन इजीस्ट मेथड सर प्लीज़। तो हर्ष, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया है, फिर उसको एक्सप्लेन किया, उसका एक क्वेश्चन भी कराया, प्लीज़ उसे वॉच कर लो, उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। उसके बाद किंग्स ऑफ कॉमेडी ने पूछा है कि सर बिजनेस स्टडी के चैप्टर की वीडियो भी बना दीजिए। तो किंग्स ऑफ कॉमेडी, अभी राइट नाउ मैं बिजनेस की वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है और मैं अभी फोकस कर रहा हूँ ओनली इको पे और अकाउंट्स पे, तो सॉरी फॉर दैट, ओके। रिडम्पशन पर वीडियो बनाइए, तो ऑलरेडी सुमित रिडम्पशन पर वीडियो बनी हुई है, जो रह जाएगी वो दोबारा से सेशन चल रहा है उसमें कंप्लीट कर दूंगा।
लक्ष्य क्लासेस लिखते हैं सर, आई वांट टू बिकम अ बैंकर, सो उसके बारे में कुछ बताइए, सब्जेक्ट एंड सिलेबस। तो लक्ष्य आपको सबसे पहले तो 12th क्लास से एक तरह से कॉमर्स से पास कर लेनी है। उसके बाद IBPS जो एक संस्था है वो क्या कराती है, इसके एक एग्जाम कंडक्ट कराती है बैंकिंग में जॉब के लिए। तो आप एक बार IBPS की वेबसाइट को चेक कर लीजिए और पता पड़ जाएगा। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपको बैंकर बनने के लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से होके आना पड़ेगा, मीन्स कॉमर्स से होके आना पड़ेगा। वहां पर अलग से एग्जाम होते हैं जिसका बेस्ड जो होता है वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन होते हैं। अगर वो आप पास आउट कर लेते हैं तो आप बैंकर के तौर पर लग जाते हैं। चलिए आगे ही बात करता हूँ। सागर शर्मा लिखते हैं, सर आप डेवलपमेंट में इंग्लिश में भी बनाएंगे? तो सागर शर्मा, ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसके मैंने 5 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। 6 चैप्टर मुझे LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपलोड करना है, तो 5 चैप्टर तो आप रेडी करिए, उसके बाद जैसी हो जाए मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। माई प्रॉब्लम माई सॉल्यूशन के नाम से क्वेश्चन है, सर क्लास 11th की इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटेंसी 12th के लिए जरूरी है क्या? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको बेसिक 11th के अकाउंट्स का आना चाहिए। अगर आपको 11th की अकाउंट्स का बेसिक असेट्स लाइबिलिटी अकाउंट बनाना आता है, जर्नल एंट्री करना आता है, तो आप 12th को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता और अकाउंट्स करने जा रहे हैं 12th की, तो आप फंस जाएंगे। तो प्लीज़ 11th की बेसिक को पहले रेडी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साकिब अंजुम ने पूछा है, सर क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का वीडियो बना दीजिए। कोशिश रहेगी साकिब, बट मैंने बता दिया अभी जो मेरा फोकस है वो स्पेशल इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पे है। रोहित कुमार लिखते हैं, सर BCom में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सारे चैप्टर की वीडियो डाल दो, बहुत हेल्प होगी। तो रोहित कुमार, मैंने कई सारे चैप्टर की वीडियो डाल रखी है BCom की, जिसे हम BCom भी बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तब भी अगर कोई चैप्टर रह रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो ताकि मैं उसकी वीडियो बना पाऊँ। चलिए, प्रीति शेखावत ने लिखा है, सर मेरा लास्ट BST का एग्जाम बचा है, सर मुझे BCom की स्टडी करनी है, BCom फर्स्ट ईयर की वीडियो कौन से चैनल पर मिलेगी? तो प्रीति, इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे ही मेरे ये लॉकडाउन हटता है मेरे पास कंटेंट आ जाएगा, मेरे पास बुक आ जाएंगी, तो मैं जल्दी जल्दी फर्स्ट ईयर की वीडियो भी बना दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मिशा सैनी लिखती हैं, सर प्लीज़ ICWA का कोर्स के बारे में कुछ बताइए। तो मिशा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आफ्टर 12th आप किस किस कोर्स को कर सकते हैं और किस में क्या क्या बेनिफिट है, तो वेट एंड वॉच, जल्दी आएगा वो। उसके बाद बॉबी लिखते हैं, सर UPSC में इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बता दो प्लीज़, कैसे इकोनॉमिक्स होगी UPSC में? तो बॉबी, राइट नाउ मुझे UPSC का कंटेंट या सिलेबस नहीं पता है कि उसमें इकोनॉमिक्स का कितना पार्ट आ रहा है। राइट नाउ आप सही बात जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के 4 पार्ट मेनली हैं, स्टैट्स, इंडियन इको, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट है वहाँ पर जो आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद मिश्रा जी लिखते हैं, सर आज ऑनलाइन नहीं आएंगे क्या आप? तो मैंने आपको बता दिया और लाइव आने में क्या दिक्कत आ रही है मेरे को, कई सारे लोग हो जा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर एब्यूजिव वर्ड भी यूज़ करने लग जाते हैं जब मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, या रिप्लाई करना तो चाहता हूँ बट इतने सारे लोगों तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता एक साथ एट अ मोमेंट सबका। तो 1-to-1 जो जो मिलता था करता जाता हूँ, बट कैसे नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाता। सर आप 12th आर्ट की इकोनॉमिक्स की वीडियो भी बनाएंगे? तो ऑलरेडी विकास बना रखी है, देख सकते हैं हम। फिर अननोन पर्सन के नाम से, सर BCom की वीडियो बना दो। ओके, बट मैंने बता दिया जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मेरे पास बुक आएगी, बना दूंगा। प्रत्युष लिखते हैं, थैंक्स सर फॉर वीडियो, थैंक यू डियर। सुमित लिखते हैं, सर वीडियो बनाइए। ओके। लकी चौहान लिखते हैं, सर मेरा BST हिंदी और एडिशनल कंप्यूटर साइंस का पेपर रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा साइंस का पेपर हो गया है क्योंकि com.science, सॉरी डियर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में भी लिखना चाह रहे हो तो ठीक है, लिखा है एड सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे प्लीज़। देखिए सो लकी, मैं बताना चाहूँगा अगर आप 12th में और आपके पेपर रह रहे हैं तो पूरी गारंटी ऐसी है कि आपके पेपर डेफिनेटली होंगे, भले ही लेट हों लेकिन होंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए घर बैठे रहे, ठीक है, बैठकर। हर्षित लिखते हैं, सर इंडियन इकोनॉमी हिंदी में नहीं है क्या? बिल्कुल है, प्लेलिस्ट चेक करो, मिलेगी। फिर सागर सर मिलेगा, सर आप कोचिंग पढ़ाते हो क्या? डियर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और राइट नाउ अभी कहाँ पढ़ाता हूँ, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है कोचिंग, बट मैं दिल्ली में मयूर विहार फेस 3 में पढ़ाता हूँ, विजुस इंस्टीट्यूट के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ओके। उसके बाद YK क्रिएशन लिखते, ऑसम, थैंक यू डियर। ओके।
अमित बाबू लिखते हैं सर नाइस वीडियो, थैंक यू डियर। तो ये सारे हो गए लास्ट जो क्यू एन ए वीडियो था 19 उसके आंसर्स। अगर आज के आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल दो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आपके उनके आंसर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।